हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम केवल एंड यू वाचिंग स्केटजल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट टू है आपका, और पार्ट वन में हमने चैप्टर वन टू और थ्री को डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम चैप्टर फोर फाइव सिक्स और सेवन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2020 में आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। शुरू करते हैं और देखते हैं। चैप्टर फोर की बात करें तो चैप्टर फोर में कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, व्हाई डिड फैटिक गो टू कलकत्ता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर एट की, व्हाई वाज फैटिक अनहैप्पी इन कलकत्ता। और फिर क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाई डिड फैटिक रन अवे फ्रॉम स्कूल। ये तीन क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है और इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप मिस मत करिएगा। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की तो इस चैप्टर से मैंने तीन ही क्वेश्चन रखे हैं। चैप्टर नंबर फाइव की बात करें तो फाइव से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जिसमें से पहला है, हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ, हाउ डज द हार्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर फोर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर टेन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउ डज स्मोकिंग इनक्रीज ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। यही क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट कई तरह से पूछा गया, फिर आगे देखिए कई तरह से पूछा गया है। वही क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज जेडी रेडक्लिफ एक्सप्लेन द स्मोकिंग, दैट इज स्मोकिंग इज हार्मफुल। फिर दूसरे तरह से पूछा गया कि हाउ इज स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ अकॉर्डिंग टू जेडी रेडक्लिफ। फिर एक और तरीके से पूछा गया कि वाई इज स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ। चार तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ आप देख लीजिए, व्हाट पर्टिकुलर फूड शुड हार्ट पेशेंट अवॉइड, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इस साल के लिए। और क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है, व्हाट कैन अ मैन डू टू अवॉइड हार्ट अटैक, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर सिक्स, इफ वे सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर तो बैक टू बैक आपको मिलते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड, ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा है, व्हाट इज द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साल की सिचुएशंस को देखते हुए। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर एट की, तो क्वेश्चन नंबर एट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दो तरह से पूछा गया, व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, ऐसे भी करके पूछा गया। फिर यही क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन आर द थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कॉज इज द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करें अगर, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है पहला क्वेश्चन जो है वही इम्पॉर्टेंट है, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव किया जाए तो इसमें एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है एलेवेंथ, व्हाट डू भगवद गीता एंड द उपनिषद डू अकॉर्डिंग टू एल वसन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसको इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसको दूंगा,
जो आपके बुक में तो नहीं है राजीव प्रकाशन की बुक में, लेकिन वो है बहुत इम्पोर्टेंट और बैक टू बैक हर साल पूछा जा रहा है एकदम रिपीटेडली कंटिन्यूसली। उसको नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये देखिए पूछा गया है कि व्हाट द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, या फिर इस तरह से पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू ए एल वसम व्हाट द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक। या फिर दूसरे तरह से पूछा गया कि व्हाट द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू एस राधा, सॉरी ए एल वसम, एस राधा कृष्णन नहीं, ए एल वसम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान रहा हूँ इस साल के लिए, अगर बात करें 2020 एग्ज़ाम्स की, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग चैनल पर, व्यूवर्स की संख्या जो है उसमें अनसब्सक्राइब लोग ज़्यादा देख रहे हैं, यानी कि जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वास्तव में अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि मुझे भी पता चले कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा और मैं वीडियोज़ और ज़्यादा आपके लिए लेके आऊँगा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल, क्योंकि मैं फालतू की वीडियोज़ डालता नहीं। जो भी आपको मिलेगा काम का वीडियो मिलेगा, अच्छी वीडियो, क्वालिटेटिव वीडियो मिलेंगी, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।